सहेली और सुन। अरे एक दिन बोलो मुकुट माई जी, अरे एक दिन बोलो गुड माई डियर, यूं आवाज लगाई मैं सब्जी गुड़ मांग रहो मैं भेली उठा के लाई। हरी भेली उठा के लाई बहन मेरी, भेली उठा के लाई माई डियर। गुड माने अच्छा, माई माने मेरी और डियर माने प्यारी, लेकिन मैं समझी ये तो गुड़ मांग रहा है, मैं भेली ले आई। अरी भेली देख हाथ मेरी बहना, गुस्सा है गयो भारी, इसी सबब से बहन पति से अनबन रहे हमारी। जब आगे वाली दो नंबर आया तो कहने लगी अब तू बता तेरे कैसे। वो कहने लगी जी जी तुम्हारा तो दो एक दिन कोई झंझट होएगो, मेरा तो जिंदगी मेरे भयकर होएगो है। कैसो मेरा पति हकल आए। दोस्तों हकल आ की वो पीहर में चली जाते, सावन को महीना आयो दुनिया पूरा खाए जा रही। हकला बोलो हम कौन सी बहु दिए थे कमे, हम बुरो खाए जाएंगे, बुरो खाए जाते हैं ससुराल में पहुंचो। जैसे ही दरवाजे में कदम दो हकला ने, भीतर से बाकी सास निकल के आ रही। सो दोनों ने कोई एक्सीडेंट रास्ता में है वो। दोस्तों कोई हकले हो तो बुरो मत मानियो। हकला कैसे राम राम कर रो, मम्मा मम्मा माता जी राम राम चौके हकले। सास बोली लल्लू राम राम चौके बेबू हकले। और भैया दोनों हकले तो हकले वा हकला की बहू हकली, पूरो कुनवा को कुनवा नकली मिल गो। कैसे राम राम हैरी भैया रमेश, अरे सो रर मेरी राम राम ले ओ मैया, सो रर रर मेरी राम राम ले ओ मैया। आ राम राम है गई, हकला की सास हो गई। तो ललित जाए के बोली ललली के हाँ के दमाद आए गए। वो कहने लगी सो में क्या करूं, चौक बेहू हकल। कहने लगी ले का कह रही है, अरे लल्लू सवेरे क्या होंगे, खाट बिछाओ दरी बिछाओ हुक्का चिलम भर तमाकू भर के रखे दो। तो कैसे कह रही भैया हकली कहनो नहीं आया वो। अरे कुकु कुकु कुकिया लाओ लली और दद दद दरी बिछा दियो। अरे कुकु कुकु कुकिया अरे खग खग खटिया लाओ लली और दद दद दरी बिछा दियो। चिलम तमाकू भर के कली गहाय दियो। सो पप पप पानी देव लला तू क धरो करैया, सो रर रर मेरी राम राम ले ओ मैया।
खटिया बिछाए और काचिलम तमाकू भर के रखे थे लला सवेरे के आए भूखे होंगे। और भैया श्रोताओं आजकल अगर लड़की के पे आ जाए तो फिर तो पांव छटन की उठा तो है। बड़ी जल्दी गई खटिया बिछाए दी हुक्का भर के रखे तो और इतने हकला की सासु ने पूड़ी बना ली करैया में शुद्ध देसी भैंस को घी दे दो। हाँ हाँ भैंस को घी दे दो। पूड़ी बना ली आलू की सब्जी हकला जिमावे को बैठा लो और जब पसवे पूड़ी आई तो हकला दूती बोलो हे थोरी। सास कहने लगी है भाई तेला थोरी मांग रहे दो पूड़ी पस के चली गई और कच्छुली लेके बैठ गई कहता हूँ कोई कुतिया भतियान चली आवे। और मेरे दोस्तों ऐसो ही भयो एक कमरी कुतिया चली हुआ आई वो पहुंची चाकी पे और हकला की वो दुबकी बैठी किवार की ओटक में तो कुतिया चाकी को झन्नो पहुंचनो का कहते हैं बातें झन्नो बाले के दरवाजी तो हकला की बहू पे न रुकोगो और कहा कह रही किवार की ओटक में अरे कुकु कुकु कुतिया धसी आई और झजा झजा झन्नो ले बाजी अरे कुकु कुकु कुतिया धसी आई अरे जज जज झन्नो ले बाजी और हकला जे मत में देखा करो भैया बल्ले अरे ला 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 लट्टू दे उस ससुरी में फिर नया आवेगी दारी सोचो का में ते उठी सास तजू कूंदी आए बिलैया सो रर मेरी राम राम ले ओ मैया आई गई सो काऊ बुजुर्ग ने कही बिल्ली खाएगी ने तो लुढ़का देगी पूरी नहीं बिगाड़ेगी। अकला बोलो मर गो जाकी बहन के बोला है मारू दिन के चार बज रहे हैं अभी तो गांव में पहुंच जाएंगे। तो सास तो कहने लगो के माता जी के हाँ के हमें तो अभी विदा करो। तो कहने लगी ललू विदा कैसे जाएगी चो यो अरे तापू चढ़ो लली बप्पी मारी भारी और डरी रहे खटिया में बब प्यास लगे भारी लल्लू छोरी ये बड़ो ताप चढ़ रो बुखार आ रो गेले में तत्तो ठंडो पाई कहां से लाओगे सो पी 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 पिता हो न की नाए और तुम सुन ले कुमार कन्हैया सो रर रर मेरी राम राम ले ओ मैया जैसे ही पिता की मने करी हकला मारे गुस्सा के फूल के दिल्ली को स्टेशन है को और गुस्सा में सासु के जोरे आए के कहां कहने लगो भैया लटूरी कहने लगी है क्या कहती है
जब अकल आते पिता की मैंने कस दई तो गुस्सा में आके सास तो कहने लगो, अरे गुगु गुगु गुस्सा है भारी, सस सास कुआई दई गारी। अरे गुगु गुगु गुस्सा है भारी, सस सास कुआई दई गारी। हाँ मऊलिवाई वे नायांगे ककक कर यो तुम अपारी। भजन बनायो और मेरी काली होई सहैया, सो रर रर मेरी राम राम ले ओ मैया। हाँ दोस्तों, उन सखियों की बात हो जाती है तो देखो आजकल की, यानी कि वो भी पत्नी हुआ करती थी कि तुलसी जी को, तुलसी जी की पत्नी ने कैसा उपदेश दिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। उन्हें भी अपनी पत्नी से कितना मोह था, कितना। एक दिन कहने लगे, अरे इकली चली गई पी हर कू धोखो दे गई साजनिया, हर दे गई साजनिया धोखो दे गई साजनिया, इकली चली गई पी हर कू धोखो दे गई साजनिया। अरे तुलसी जी के मन में देखो उमड़ो इतनो प्यार, और आधी रात मुर्दे पे बैठ के है गए पल्ली पार। इकली चली गई पी हर कूदो को दे गई साजनिया, से चल देते और ससुराल में जाने लगे। रास्ते में नदी पड़ा करती थी तो मुर्दे पे बैठ के नाव समझ के पार कर जाते हैं। ससुराल में पहुंचे तो उन्हें कोई दरवाजा खुला नहीं मिला, तो पिछवाड़े जाकर क्या हुआ, एक सरप लटक रहा था। अरे सरप पकड़ के ऊपर चढ़ गए प्यारी रही उचार, सरप को पकड़ के जब ऊपर चढ़े और पत्नी के पास पहुंचे तो क्या कहने लगी है प्राण प्यारी। सरप पकड़ के ऊपर चढ़ गए प्यारी रही उचार, और इतनो हित राम से करते होते भव से पार। इकली चली गई पी हर कूदो को दे गई साजनिया, कैसेट के माध्यम से आपको चेतावनी है कौन सी। अरे जितनो हित हराम से और उतनो ही हर से होए, और भवसागर से पार करे और रोक सके ना कोई। इकली चली गई पी हर कूदो को दे गई साजनिया, तुलसी जी को पत्नी की बातों को सुन के ज्ञान मिला और क्या हुआ। अरे इतनी बात सुनी प्यारी की त्यागो हित तमाम, इतनी बात सुनी प्यारी की त्यागो हित तमाम, और तुलसी कृत रामायण रच के कर गए जग में नाम। इकली चली गई पी हर कूदो को दे गई साजनिया,
साजनिया इकली चली गई पीहर कूंधों को दे गई साजनिया के पास आकर कृष्ण की शिकायत करती है तो कृष्ण कहने लगे हैं माँ यशोदा से क्या कहने लगे अरे ना मेरे जाकी भोरी मैया अरे ना मेरे जाकी भोरी जी मोए पे बात और हानो दे रही है हो ना मेरे जाकी भोरी दोष लगावे मोकू अरी फूटी फाटी देख के और जे लेके आई शाम और फुरवा लाई कौर पे देखी मेरो लगाए रही नाम अरी बेमतलब में गुजर मोते जे अटक लड़ाई ले रही है ना मेरे जाकी ओरी देवे बात और हानो दे रही है और मैया जाकी बातन से लगे मोए थोड़ो थोड़ो भेद और कोरी कोरी बता रही रमेश सजा में कितनो है चोड़ो छेद अरे चारों लंग से चिपक रही चारों लंग से चिपक रही जे बहुत पुरानी है रही है अरे ना मैंने जाकी होरी जे बे बात और हानो दे रही है और ब्रह्मा जी क्या कह रहे कृष्ण अरे जाकी मेरी चल रही और बहुत पुरानी आस और जे डोले मेरी ताक में जाए लूं फंदा में फांस अरे जे है बिल्कुल निडर न जाकू घर कुन बाकी भै रही है ओए ना मेरे जाकी होरी देवे बात और हानो अरे मुखिया टेलर यो कहे और चले न तेरी चाल टेलर यू कहे देख चले न तेरी चाल तू है ब्रज की गुजरी और मैं हूं नंद को लाल
अब तक दुनिया बोले कृष्ण की जय रही है। ओए ना मेरी जाकी होई जे मोए में बातो रहानो दे रही है। अरे ना मेरी जाकी होई जे मोए में बातो पत्नी को इतना ज्ञान था कि उन्होंने तुलसी जी को उपदेश देकर समझा दिया और तुलसी जी कहां से कहां पहुंच गए। और आजकल के पति पत्नी कैसे होते हैं भैया रमेश, देखो ये पति से क्या कह रही है, तो कहने लगी कि मां ने कही भरतार सासुते है जान्यारो। अरे है जान्यारो करी बटवारो, हाँ है जान्यारो करी बटवारो, साजे में ना मेरो होई गुजारो। मान कही घर तार सासु से है जान्यारो। अरे रही तो इसम जाए बलम है बहुत मजा न्यारे में। न्यारो तो होगा पर एक बात हो रहे, अरे बासन पीहर के नाय दूंगी तेरे जा बटवारे में। और सोच रही मैं भलो तुम्हारो, सोच रही मैं भलो तुम्हारो, तुम काहे कू हिम्मत हारो। मान कही भरतार सासु से है जान्यारो। अरे जब से मैं आई जा घर में सबरे ही करें चबुआ, और मैंने लयो चबोर जाई ते चूलो एक उठौआ। तो
तुम्हारी बहन मोते ना बन देगी। मैंने पहले इंतजाम कर लो। और कैसो? अरे कोठो लूंगी पक्के बारो, मैं कोठो लूंगी पक्के बारो, जो तुम दे दो तनक सहारो। माने कही भरतार सासु से भारे कैसे। अरे बहन तुम्हारी हम दो न में रहे रोज भिड़वावे, और हाथ चले बच बाइबे जाके सेन चले पिटवावे। और अरे जाने तू के घर बहुत बिगारो, श्रोता चाहते ना हो तो ब्याह तो होता हूं सब कछु उनको है या तो अपने पति के पिता की बात कहने लगी है। अरे तू के घर बहुत बिगारो, माने कही भरतार सास दे है जान यारो। और कहने लगी अरे जो नहीं मानो कहन मेरी नाए पीहर से आऊंगी, बापू न्यारे में ही लाऊंगी। अगर ये मंजूर न हो तो दूसरों काम कर लियो। कौन सो? अरे के जा घर से ते चलता रो, के जा घर से चलता रो, कही गयो त्यारो वो छोटो सारो। माने कही भरतार सासु से है जान्यारो। एक बात और है, कौन सी है? जा सवरे कुन बापू मो पे रोट पे नाए जांगे, ये जर्मन किसी फौज इकट्ठी कर रही है, कैसे ठोकूं? और इससे बात तुम्हारे काऊ के मो पे बोल सहे नाए जांगे, और एक बात और है पहले बता दे रही हूं। अरे काऊ ने खोटो बोल निकारो, अरे भोग सुने गो मो पे वो बजवारो।
मान कही भरतार सासुते है जान्यारो पीहर में कबू गोवर्धपुर ना करो अब तक लाड़ प्यार से सैया पालन भयो ए हमारो और लाल बहू खेली मैंने अब तक कबू तो कुनाए मारो लाल बहू को खेलियो करो का चुनाए अरे टेलर कहे फिरोजपुर बारो टेलर कहे फिरोजपुर बारो सुनी सुन के मेरो भयो भंडारो मान कही हरतार सासुते है जान्यारो रसियों का सिलसिला वहां से शुरू करते हैं ये कई सहेली हैं और आपस में बातचीत हो रही है अपने अपने पतियों के बारे में तो पहली कहने लगी बहन कहां के तो गुम कैसो पति मिला वो बता तो पहली का बता रही भैया रमेश देख मोकू जे पति मिलो है जारी अरे जिन बातन में जे होती है वारी वारी अरे गिर भी रख आयो चीज हमारी गिर भी रख आयो चीज हमारी चांदी सोने और ये सोने की अरी चांदी सोने की अरे गिरवी रख आयो चीज हमारी चांदी सोने हमारा पूरा ज्वारी है ब्याह पे मेरे पिता ने मैं जेवर से लाते ही बाने ये कुछ चीज़ ना छोड़ी सब गिरवी रख के आया हूँ दूसरी तो कहने लगी अब सखी तू बता तेरो कैसो है कहने लगी आहा जी जी मोते मत पूछे तेरो तो बहुत अच्छा है मेरे रड़ रोमना मत पूछे चौ तेरो कैसो है वो बता तो दूसरी कहने लगी अरे मेरा देखे पते चोर उचक्का अरे कावत फिरे गली न में धक्का जे
सका। अरे मारे जाए हिंदू मुस्लिम सका गुजर न होने। क्या बात है रमेश नकारेगी, मारे जाए हिंदू मुस्लिम सक्का गुजर न होने। सखी तेरो जुआरी है और मेरो चोरो चक्का है, कहा करूं। आ तीसरी कहने लगी सखी तुम्हारे तो उठी गए, तेरो जुआरी है और तेरो चोरो चक्का है, काउ ने पकड़ी गयो तो छूटी आवे वो, पर मेरो तो जिंदगी भर को रड़ रो मनाए कैसो। जी जी जा दिन ते शादी भाई, आज तक कबू मुझे ढंग से ही न बोलो, कैसे न बोलो। देख जानी के जोरते बान चले मेरी दीदी बान चले, बहना अरी जानी के जोरते बान चले मेरी दीदी बान चले, और उन्ने न चले री कजरा के दये से। और वर्मा जी ये शायरी तो मेरे भैया रमेश ने लिखी है, कौन सी लिखी है? जी जी तुम्हारे ठीक है, मेरो बरगबंधु कबू ना मिलो, सबरी जवानी ओ समय सोच सोच के गुजर गई। देखी जवानी के जोरते बान चले मेरी बहना बान चले, और ने न चले री कजरा के दये से। और आठ मास नो गर्भ रहे मेरी बहना गर्भ रहे, संजय भैया गाय का तो बहुत मिले होंगे, हम तो ना चीज हैं कोई चीज नहीं, फिर भी हमारा रमेश बहुत हमारी एक पूजा समझ लें आप। अरे आठ मास नो गर्भ रहे मेरी बहना गर्भ रहे, और हुसन जा तू ललना के भये से। और क्या कह रही, अरे मांगत मांगत मानु घटे मेरे भैया मानु घटे, और प्रीत घटे रे नित के घर जाए से। दोस्तों किसी पे आपको कुछ भी मांगना है अगर आपकी पहली आवाज में मिल जाता है तो सही है, अन्यथा दोबारा मत मांगो। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि एक बार मांगने से अगर वो कह देता है कि भैंसा की चंपर हो, तुमने कहा नहीं भैया फलानी चीज दे ही दे, उसने कहा यार वो सीधी मने करनी पड़ेगी, ये उदाहरण है, तो उसे फिर ना मांगो। क्यों? अरे मांगत मांगत मानु घटे मेरी बहना
और दोस्तों ये लाख रुपए की बात है, कौन सी है? अरे ओ छे के संग में बुद्धि घटे रे भैया बुद्धि घटे, अरे ओ छे के संग में रमेश बुद्धि घटे मेरे भैया बुद्धि घटे, और क्रोध घटे रे मन के समझाए थे, समझते हैं कि रमेश को तो सिर्फ देहाती ढोलक बजाना आता है। नहीं मेरे दोस्तों, उसने बीकॉम फाइनल कर ली है फिर भी ढोलक का बजाना अचंभे की बात है ना, बीकॉम फाइनल के बाद। अरे से बाला मुनिरा मोई भयेरी निरा मोईरी भये, और कबहू न सोयेरी लगा के मोते छापी, जाके संग ब्याहुरे रचाती। हाँ दोस्तों, पहली सगी का पति ज्वारी है, दूसरी का चोरो चक्का है, तीसरी कहने लगी कि मेरी तो कबू बरग मंदई ना मिली, सबरी ज्वानी में ओसो में सो सोए के गुजर गई, चौथी कहने लगी चौथी से सखी अब तू बता तेरों कैसे हो। चौथी का कहने लगी जीजी तुम्हारा तो कबो कबो को रड़ रोमना है और मेरा तो रोज को है, कैसे हो रोज को? कहने लगी अरे पति हमारो इंग्लिश पढ़ गयो और मैं हूं अनपढ़ नारी, इसी सबब से बहन पति से जी अनमन रहे हमारी। और पति हमारो इंग्लिश पढ़ गयो, क्या बात है होरीलाल? दोस्तों कुछ लोग हमसे परेशान हैं क्योंकि टेलर साहब पूरा पता नहीं देते, अब हम बता देते हैं। हमारा पता है मिलने का एकमात्र स्थान है पारस टाकीज के सामने, न्यू राणा मार्केट सासनी अलीगढ़। हाँ बहन, वो इंग्लिश पढ़तो और मैं हिंदी ना पढ़ी रह से, वे इंग्लिश पढ़तो है मैं समझ तू के गारी सी दे रो। अरे एक दिन बोलो बाटर लाओ, एक दिन बोलो बाटर लाओ, क्यों आवाज लगाई और मैं समझी कुछ तोलेगा मैं बाटा उठाए के लाई।
उठाए के लाई सहेली, बाट उठाए के लाई, अरे मैं समझी कुछ तोलेगा मैं बाट उठाए के लाई। आई बाट हाथ में देख के बहना, अरे हम कैसे बताऊं, अरे बाट हाथ में देख के मेरे एक पथरिया मारी, इसी सबब से बहन पति से अनमन रहे हमारी। तो दोस्तों आजकल के कलयुग में कोई कहती है न्यारो है जा, कोई कछु कहे और देखो जी का कह रही है, अरे तोय छोड़ के सैया और मिलू कौन की ओट, मेरी गुल्ल कहे गई खाली जामे धत्ते सो को नोट। अगर पति न्यार हो जाए तो पति तो उनके चुंगल में फिर बड़ी जल्दी नंबर लेते, अरे तो ये छोड़ के सजना आई मिलू कौन की ओट, मेरी गुल्ल कहे गई खाली जामे धत्ते सो को नोट। अरे पहली तो गुल्लक तेरे भैया ने फोरी, अब के जो लाई रे बलवा कोरी की कोरी। और भाई बन ले लई चोरा चोरी, बन ले लई चोरा चोरी जम मेरो काए खोट, मेरी गुल्लक है गई खाली जम धत्ते सो को लोट। तो पति देव कहने लगे जे बता बानी कैसे ले ली, तो कहन लगी अरे पीहर की दौलत ले गयो देवर पजारो, मनु कर कि तुमने जामे अधेला निडारो। दिन रात कुढ़ू में मन में, दिन रात कुढ़ू में मन में वो अच्छे लगे न रोट, मेरी गुल्लक है गई खाली जमे धत्ते सो को नोट। गुस्सा में आए कि आज कल के पति पत्नी को विश्वास करके कह देते हैं, ले भैया को होएगो सो बाद में करूंगो, पहले तू अपनी गुल्लक है बन ले, आ सबरे नोट सरकाई देते हैं होले होले। फिर क्या हुआ, क्या कहने लगी, जब नोट अंटर में आगे गुल्लक भर गई तो वो हार का उते और मैं जोरन दूंगी, जेठ के दस
सहरा तक जाए फोरन दुम तक जाए फोरन दूंगी सोना फोरन दूंगी। अरे फिर मेला है गंगा पे, अरे मेला है गंगा पे, जाएगी तो उनकी जोट, मेरी गुल्लक है गई खाली, जमे धसते 100 को नोट। क्या बात रमेश, अब इतमो पे बाली न बच्चा, पहले से भर जाए गुल्लक जाई में अच्छा। और क्यों, अरे टेलर की है कविता प्यारी, टेलर की है कविता प्यारी, और बोल कर लाख में चोट, मेरी गुल्लक है गई खाली, रे जमे 100 को नोट। अरे तोई छोड़ के सजना और मिलूं कौन की ओट, मेरी गुल्लक है गई खाली, जमे 100 को नोट। भैया छोटे बड़े तमाम, मेरी हिंदू को जय राम की, मेरो मुस्लिम ले ओ सलाम, के भाई कलकत्ते की कालका मैया, तेरे लंबे लंबे केस देख रही
सभी देव और स्तुति करे तेरी ब्रह्मा विष्णु पार मानव का कर दे और करी सहाय मेरी तेन मैया और जब जब तो कूटे रो देखरी राजपाल सिंह जे रहो हमेशा मैया तुम चरणन को करो अबारी अरे बालक अपनो जे जान शरण में ले ले मोए में थारी हाँ तो दोस्तों सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे बल कालिका मैया की। तो मेरे दोस्तों चंदा कैसेट के माध्यम से न्यू कालिका मंडल की तरफ से पेश है प्रोग्राम रसिया ही रसिया, जिसके लेखक और गायक हैं मास्टर राजपाल सिंह कुशवाहा निवासी फिरोजपुर सासनी अलीगढ़, और संगीत निर्देशन किया है मेरे छोटे भाई रमेश ने, जिसमें संगति कर रहे हैं मेरे भाई होरीलाल जी, लडूरी सिंह उर्फ योगेंद्र कुमार और पप्पू भैया।